हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाई सुपर कैट। मेरा नाम है कांशु कुमार। यार, सीयूटी के इतिहास में जो कि अभी तक 2 सालों का रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन द सेकंड चॉइस ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स आफ्टर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मतलब अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूं, अगर 14,90,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन आए थे पहले साल के अंदर, तो 4,34,000 बच्चों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दी थी। सेकंड ईयर की बात करें, क्योंकि एक बच्चा एक से ज्यादा बार अप्लाई कर सकता था, देखा गया कि 8,80,000 से भी ज्यादा बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चुना गया। तो गाइज, ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है आप लोगों के लिए। लगभग मैं बताऊं, इंडिया की सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां पर 1300 एकड़ में इसका मेन कैंपस और साउथ कैंपस 2700 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं। 23 अलग अलग यूजी प्रोग्राम है जो कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेशन के बारे में, तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नया एडमिशन प्रोसेस क्या है 2024 का। देखिए, सीयूटी एग्जाम की मैं बात करूं, तैयारी एक तरफ और इस एग्जाम के बारे में जानकारी होना वो एक तरफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो एडमिशन प्रोसेस है वो रिजेक्ट हो जाता है अधूरी जानकारी के बेसिस पर। तो आपको अधूरी जानकारी नहीं रखनी है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। नया एडमिशन प्रोसेस क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, फ्लो चार्ट की हेल्प से, ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर ये मेक श्योर करना कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जितने भी रिलेटेड कोर्सेज हैं, जो भी आप यहां से करना चाहते हैं वो जरूर करें। साथ ही साथ आप रिलेटेड कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें, देख लीजिए कि आप इन इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जिन कोर्सेज के लिए भी आप एलिजिबल हैं, सबके लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद अपना सीयूटी का एग्जाम दीजिए। यहाँ पर अच्छा आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है जो मोस्ट इन डिमांड कोर्स है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, उनका कट ऑफ 85 से लेकर 90% तक जाता है। मतलब मिनिमम यहाँ पर 82% तो देखने के लिए मिलता है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर LLB ऑनर्स का कट ऑफ जाता है, जो कि लगभग 89% या 90% के आसपास देखा जाता है। तो इतना स्कोर आपको टारगेट करना है। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल पर एक ब्रोशर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिलीज करती है, और आपको बताती है कि भाई ये प्रोसेसेस हैं, और आपको रजिस्टर करना होता है www.bhuonline.in पर जाकर अपने आप को, जहां पर आपको अपनी रिलेटेड डिटेल्स डालनी पड़ती है। इसके बाद यू हैव टू चूज योर फैकल्टी एंड कोर्स प्रेफरेंस। जैसे ही आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये कब ओपन करती है, जैसे ही आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फैकल्टी एंड कोर्स की प्रेफरेंस फिल करती है, और यहाँ पर ये भी बोलती है कि एक कैंडिडेट को जरूरत है कि वो एक से ज्यादा फैकल्टी और एक से ज्यादा कोर्स जरूर से जरूर चूज करे, जिससे कि उसके एडमिशन होने की संभावनाएं है वो ज्यादा हो जाए। तो आपको यहाँ पर ये भरना होगा, और ये कब आएगा, जैसे ही सीयूटी रिजल्ट आता है आपका, सीयूटी का जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, सीयूटी यूजी का जब ये अनाउंस होता है। उसके बाद यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब एडमिशन प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जहां पर बच्चों को सीट अलॉटमेंट होना शुरू हो जाती है, वहां पर ये देखा जाता है बच्चों को ऑफर ऑफ एडमिशन, इस तरीके से यहाँ पर सीट मिलती है, मतलब एक्सेप्ट दी ऑफर ऑफ एडमिशन। आपको ये देखना होता है कि उसी तारीख को उतने ही बजे, जितने बजे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने बोला है, माना बोल दिया कि आपको जाना है भाई, आपको 16 अगस्त को 6 बजे शाम को अपना पोर्टल लॉग इन करके देखना, और देखना है कि आपको ऑफर मिला है या नहीं मिला। जैसे ही आपको ऑफर मिलता है, तो ऑफर ऑफ एडमिशन वहां पर लिखा आता है कि एक्सेप्ट दी ऑफर ऑफ एडमिशन। इन केस अगर नहीं मिलता है, तो फिर आपको आगे आने वाले राउंड का वेट करना पड़ता है, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, और फिर मॉपअप राउंड भी यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं जब आगे सीट बच जाती है तो। ठीक है, मॉपअप राउंड भी बहुत होते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, 2-3-4 करके होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक फी एक्सेप्ट करते ही फी पेमेंट करना होता है, 2500 रुपया है अनरिजर्व कैटेगरी का, और आई थिंक जहां तक मुझे याद है कुछ 500 या 600 रुपया है ST ST कैंडिडेट का। तो यहाँ पर आपको ये फी पे करना होगा। जैसे ही आप ये फी पे कर देते हैं, तो इस फी पे करने के बाद जो फैकल्टी है, जहां पर भी आपको सीट मिली है, उसके पास आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं, और डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही वेरीफाई किए जाते हैं। फिर फैकल्टी आपके वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट। अगर आप वेरीफाई हो जाते हैं, तो वेरीफाइड एंड एलिजिबल का नोटिफिकेशन शो होता है। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं, तो नॉट एलिजिबल एडमिशन ऑफर विड्रॉन का ऑप्शन शो होता है, और यहां पर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सफर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको वेरीफाइड एंड एलिजिबल शो होता है, तो उसके बाद यहां पर आगे की प्रक्रिया बढ़ती है कि लॉक दी अलॉटमेंट। आपने फीस जमा कर दी, फिर आप उसको लॉक करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सेटिस्फाई हैं अपनी सीट से। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आप नॉट लॉक, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इसका मतलब ये है
इफ यू वॉन्ट टू फ्लोट फॉर हाई हाई प्रेफरेंस, मतलब अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट आपने बनाई थी कब बनाई थी, जब आप यहां पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है। देखिए ये वो स्टेप है जहां पर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, ये लिस्ट बनाते हैं कि भाई ये मेरी ये प्रेफरेंस है, लोअर इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये, और हायर प्रेफरेंस मेरी ये है। तो जब आप अपनी प्रेफरेंस बनाते हैं तो फ्लोट फॉर हायर प्रेफरेंस की तरफ आपको जाना पड़ता है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आप चाहते हैं कि अब मेरे हायर प्रेफरेंस वाला फैकल्टी या कोर्स मुझे मिले, तो फिर आप हायर प्रेफरेंस पर क्लिक कर देते हैं। वंस इट इज लॉक, अगर आप लॉक कर देते हैं तो आपको जनरेट ऑफर लेटर पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आपने लॉक किया तो एक जनरेट ऑफर लेटर का विंडो खुल कर आता है। जनरेट ऑफर लेटर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जितना भी बैलेंस फी, मतलब 2500 रुपया आपने यहां पर पे कर दिया ये रहा, और फिर जितना भी बैलेंस फी है वो पे करना होता है, और एडमिशन लेटर लेकर फिर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर विद फोटोग्राफ अपना कॉलेज में जाकर या फैकल्टी में जाकर आपको रिपोर्ट करना होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो है डॉक्यूमेंट की वजह से या फिर एडमिशन प्रोसेस की अधूरी जानकारी होने की वजह से आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट नहीं होगा, मैं तो यही आशा करता हूं। अगर आप लोग सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई सीयूईटी बाई सुपर ग्रेड्स ये टेलीग्राम चैनल है, यू गाइस कैन ज्वाइन, जहां पर बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी क्विजेस, डेली करंट अफेयर्स, इंग्लिश से रिलेटेड चीजें, आपका जनरल टेस्ट से रिलेटेड चीजें, डोमेन से रिलेटेड चीजें, पीडीएफ नोट्स सब जाता रहेगा। तो आप जाइए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप ये टर्म जो है टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।